आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो हम सड़क से लेकर के सदन तक देखते ही आ रहे हैं और उस दौरान जो है जो बयानबाजी होती है वो बेहद ही दिलचस्प होती है। आज एक ऐसे ही बयान से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो अमित शाह का बयान है। विपक्ष लगातार जो उनके ऊपर हमलावर होती नजर आती है उन सभी को जवाब देते हुए जो है अमित शाह का ये पुराना बयान जो है इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। क्या कुछ कह रहे थे अमित शाह सुनिए। हमें कहा गया कि चुनाव से डर कर हमने ये बिल लेकर आए, भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुने ना सुने अधीरंजन भी बोले, नहीं मैं आपको ना कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डर कर आए, डरने का स्वभाव हमारा नहीं। चुनाव में हार जीत होती रहती है तो इसी का निरसन कर रहा हूं। सुनिए ना मैं मगर मैं चुनाव से डर कर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली, इसको डर कहते हैं। इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए सुनिए अभी सुनिए ना सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे, इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानन में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डर? 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? आपका भी बताता हूं, बैठो कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। इस
अब मैं सुनिए ना सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना, भाई हम क्यों डरे, हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, अरे सॉरी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई, डरना किसको है, देश माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने चार राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कराएंगे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब दो थे तब भी नहीं, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे हम दो, हमारे दो, उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं। हम नहीं डरते, चुनाव से डरना क्या, हर जीत होती रहती है, जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा, आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, मैंने यही कहा है कि हम दो थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है क्यों डरे। ना अहंकार की बात है ना गमी का विषय है, जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी। अमित शाह के इस बयान के बाद जो है अब चारों तरफ एक बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है और दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि दोबारा से जो है सत्ता में वापसी कर पाए बीजेपी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।